राजनांदगांव जिले में बेतहाशा बिजली कटौती को लेकर उपभोक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। भीषण गर्मी के दिनों में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा ने आज बिजली ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है और जिले में हो रही अघोषित विद्युत कटौती पर विशेष अपना विरोध जताया है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि विद्युत विभाग मेंटेनेंस के नाम पर सुबह शाम अघोषित विद्युत कटौती कर रही है, जिससे गर्मी के दिनों में उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। उन्होंने समय असमय हो रही विद्युत कटौती को बंद नहीं किया गया तो भाजपा उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, लगातार शहर नहीं पूरे जिले भर में बिजली मेंटेनेंस के नाम पे सुबह शाम रात ना कोई दिन देखा जा रहा है ना रात देखी जा रही है, लगातार बिजली कटौती की जा रही है। और जब भी यहाँ पे शिकायत करते हैं तो शिकायत का भी कोई जवाब यहाँ से जिम्मेदार अधिकारी या जो भी उनकी हेल्पलाइन नंबर है बिजली विभाग की, उसमें भी लोगों को रिस्पांस नहीं है। बिजली कभी रात को 12 बजे, कभी 4 बजे, कभी सुबह 6 बजे, कभी दोपहर। तो आज इसी विरोध में पहले भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी अन्य मोर्चाओं ने ज्ञापन दिया था, आज हमने सीधा पुतला दहन मुख्यमंत्री जी का बिजली विभाग के बाहर और मुख्य कार्यपालन अभियंता जो इनके अधिकारी है उनका इसलिए सीधा किया और चेतावनी के तहत भी है कि जल्द से जल्द इसको सुधार ले। आज बिजली विभाग के बाहर हम लोग ने एक मर्यादित तरीके से इसका विरोध किया, लेकिन अगर लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी तो इसके बाद हम लोग अंदर वहाँ चैम्बर के पास जाके पुतला जलाने का प्रयास करेंगे। जल्द से जल्द बिजली कटौती इसको प्रशासन सुधारे, इसी के विरोध में आज यहाँ पुतला दहन हम लोग किए हैं।